अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब अच्छे हैं माशाल्लाह। और देखो मेरा खाने का रूटीन मैं शुरू कर रही हूँ, तो सोफी ने यही सब लोग शुरू किया। तो मेरे चावल हो गए थे ख़त्म, तो मैंने चावल की थैली मंगाई और पहले मैं इसमें डाल दूँ, बाद में खाना बनाती हूँ। सही जी, है जी। चलो तो ये देखिए मेरे चावल, तो हो जाएंगे हमारे लिए बस जी। चलो इसको मम्मी बनाने के लिए रख दे रही हूँ और फिर कर रही हूँ सालन जी। देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, मेरी मम्मी बना रही है मटन। यहाँ पे चावल छोड़ दिए, यहाँ पे मटन, देखो मटन है, खीमा है मम्मा, खीमा खीमा मटन है। अच्छा यहाँ पे प्याज हो रही है, देखो मेरी मम्मी क्या कर रही है मम्मा, हल्दी निकाल सकते। अच्छा सामने से हल्दी निकाल के आई थी, वहाँ पे सब कुछ रखती है ना ज़्यादातर, है ना, फिर निकाल लेती है सब कुछ, हमारा स्टोर किया हुआ सामने ही हम रखते हैं। आलू तो चाहिए सब में, जो भी सालन करो सब में आलू चाहिए, सोफी को और कयूम को, मुझे भी देखने जाओ तो सही है ना सोफी। सोफी को भी चाहिए, कयूम को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, पर आदिल को तो चलता है, आलू का इतना कुछ नहीं, उसको बस मटन दे दो चलेगा, बोटिया ही बोटिया निकाल के, सही है ना बच्चे। और देख 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 उसको देख, हाय देखो ओवन पे चढ़ा है ये लड़का और वहां से फिर फ्रिज पे चढ़ेगा। ओहो सब पे चढ़ जाता है ये, फटाफट करना इस तरह से, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी ये दे दो बकरों को, बकरों को दे दीजिए, बकरे भी खा रहे देख देख। हाँ सब खा रहे हैं। हाँ ये सरताज को अंदर आना होता है, छोटा है ना। हाँ मुझे नहीं अंदर जी। छोटा है ना इसकी वजह से, खाता तो है नहीं, दूध पीता है, खाता है लेकिन कम कम। हाँ ज्यादा नहीं, वो देख देख के दूसरों को। हाँ ओ देख चढ़ गया, नहीं मैंने नहीं चढ़ाया उसको। ओ देख मम्मी तुझे देख के किस तरह कर रहे हैं, जल्दी देख। क्या देख रहा है, देख सब गिर रहा है नीचे, नहीं उतरेगा तो नहीं वो। यहाँ पे मेरी मम्मी डाल रही है पीसा हुआ, ये अदरक है ना। हाँ ये अदरक, ये अदरक का डब्बा है, वही ये नीचे पड़ा है, लहसुन लहसुन है इसमें, जीरा और नमक, सिर्फ लहसुन होता ना तो वाइट होता, इसमें मैंने जीरा भी डाला है ना, इसके हिसाब से ब्राउन। इस तरह मेरी मम्मी पीस के डब्बे भर ले, हाँ, चार पांच दिन का बना के रख ले तो काम आता है। वापिस कम किया मैंने, आसान रहता है। हाँ आसान रहता है सालन तो बनाने का।
देखो यहाँ पे मसाला हो रहा है रेडी, और यहाँ पे मेरी मम्मी निकाल रही है साल बोटिया, और इसमें ये कहना नड़ा वो मेरा है आज मिला ही नहीं। बहुत लेट हो गया था फिर लेने का, मुझे खाना था, मुझे बहुत अभी तबीयत खराब रहती है उसके हिसाब से, और मेरे तो फेवरेट है पाए कॉफी के, मेरे सबके फेवरेट है इसके सबके कहीं के अलावा। ये पानी डाल रही हूँ मटन वाला, डालना चाहिए हाँ, इसमें भी पकेगा ये मसाला इसमें पकेगा। तो देखो यहाँ पे राइस हो चुके हैं आप देख सकते हो, और यहाँ पे माशाल्लाह सालन भी हो चुका है रेडी। अभी कयूम आएगा अलबेक से, फिर हम खाएंगे। तो माशाल्लाह मेरी मम्मी ने खाना भी बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और शाम को कयूम बोल रहा था कि मुझे कटलेट्स खानी है, तो इंशाल्लाह मम्मी फ्री होगी, कुछ काम नहीं आ जाएगा, तो इंशाल्लाह मम्मी बोल रही है कि कटलेट्स बनाएगी मटर वाली, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे बनाएंगे। तो इतने टाइम से मम्मी बोल रही है कि तू ब्राउनी करके खिला, कि मैं पहले बहुत ज़्यादा ब्राउनी करती थी, और हमें ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम के साथ नहीं खाते वो, बट ये हमारा है ना पता नहीं बिगड़ गया है क्या, चल नहीं पा रहा, तो उसको दिखाना है, तो आ जाएंगे वो अंकल और चेक कर जाएंगे एक बार, फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो 2-3 दिन में मम्मी को ब्राउनी में खिला दूंगी। मम्मी कितने टाइम से बोल रही है वैसे, तो कितने टाइम से मम्मा बोल रही है कि तू कर, बट मैं ब्राउनी कर ही नहीं रही। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्राउनी कर लेती हूँ फिर आइसक्रीम बाहर से मंगवा लेते हैं, इसी डार्क चोको वाली बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी बोल रही कि कर, बट मैं कल ये ट्राई कर रही थी ओवन को, बट हो नहीं पा रहा था, तो फिर आ जाएंगे चेक कर लेंगे एक बार, अभी टाइम चालू नहीं किया ना उसके हिसाब से, तो मैं करूँगी, तो आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट 2-3 दिन में इंशाल्लाह मैं करूँगी, मेरी मम्मी को खाना है तो करके खिलाऊंगी। तो चलो आप रहो हमारे साथ तब तक। देखो किसका झाड़ है, पौधा है राजिन बताएगा किसका पौधा है, नहीं मालूम, और हम कहाँ पे आए हैं वो भी नहीं मालूम नहीं झूठ बोल रहा है। हम यहाँ पे आए हैं डॉक्टर के पास, वो क्या करने आए हैं वो आप सबको अंदाज़ा लगाना है, हम नहीं बताएंगे है ना। और इसके पहले हम गए थे सुपरमार्केट, वहाँ पे मैंने डाला अपना चोली, कहाँ पे गए थे हम हमारे में इस तरह से रिवाज है कि चोली है ना वो निकाह के टाइम मेरी अम्मी के घर का मैं पहनती हूँ, फिर वो बोलते हैं ना कि जाते ससुराल, तब ससुराल वाले का है ना, हमारे में नहीं है तुम्हारे। हाँ देखो उसने उसकी जबान किस तरह से चली, मैं आपको शादी के बाद सब बताऊंगी। और किसी का कमेंट आया था कि राजीन बहुत भोला है और उसकी स्माइल तो बहुत अच्छी है, तो मैं सच बात बताऊँ आपको कि मैं इसे बोलने में लगती हूँ, बट मैं नहीं हूँ, और ये बहुत तेज़ है बोलता नहीं है ना ये बहुत तेज़ है, तो इस तरह से है। तो हमारे में हाँ है रिवाज है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो फिर इन लोगों ने मुझे जो चोली ले दिया है ना वो मैं गई थी स्टिच करवा मेरी साइज का, तो वो हम लेके आए, वो उसका मशीन लेना भूल गई, अब आए हम डॉक्टर के पास, तो मैंने बोला ना आपको अंदाज़ा लगाना है हम क्या करना है, तो बस आप ही अंदाज़ा ही लगाओ बताएंगे मैम आपको। तो देखो अभी तो बाहर खड़े, अंदर जाना मना नहीं बोल रहे, 10-15 मिनट के बाद बुलाएंगे तो इस तरह। और ये किसका पौधा है, पेड़ है, आप सब कॉमेंट में बताना, हमें नहीं पता चल रहा, ये पेड़ है ना, हाँ हाँ पूरा पेड़ ही है, देखो नहीं लकड़ा बड़ा है देखो तू क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या बोला था? नहीं मैंने ऐसा बोला कि पेड़ ही है ना पूरा, तू क्या बोला नहीं सिर्फ लकड़ा पड़ा है, देखो इस तरह से है ना, ये बहुत तेज है, मैं आपको बोल तो रही हूँ बहुत तेज है ये बोलने में
देखो अब हम यहाँ पे आए हैं, राजदीप मुझे लेके आया है, उसका कुछ ना कुछ काम निकलता है। अब देखो कहाँ कहाँ मुझे घुमाता है। इसको वो लेना है ब्रश, तो ये लेगा। देखो इसको, ये हमें किड्स का शौक है ना, तो देखो इसके टी शर्ट को आपको दिख रहे हैं ये बाल। देखो बाल। देखो ये नहीं अच्छा, यही अच्छा है, यही मुझे पता है। वधारे ओलूज पावते हैं। હું તને કહું ને સાચું ઓલું લે, ઓલું જ મસ્ત છે। બસ ચલો અબ હમને લે લિયા હે ઓર અબ હમ ચાર હી સ્ટુડિયો મે દેખો બોલી રહા થા આજે પૂરા પૂરા એક મુજે ઇસ તરહ સે તો યે જો હમને લિયા હે ના વો જસ્ટ નહીં નહીં કપડે હોતે ના ઉસકે લિયે લિયા હે વેસે તો હમારે પૂરે કપડે મે બાલ હોતે હી હે તો બ્લેક ટી શર્ટ મે જ્યાદા દિખતે તો મેને લિયા થા તો અચ્છા થા તો મેં રાજીવ કો બોલા તો વો ભી બોલ રહે કે મે ભી એક લે લેતા હું उसने भी आज लिया तो वो लेने हम गए थे तो बस डॉक्टर के पास से भी हम आ गए और अब हम जा रहे हैं जूडियो में तो वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं वो तो राजीव को ही पता मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ नहीं लेना उसको ही लेना होगा देखते हैं क्या लेता है ना ये तो लेगा ना अभी कपड़े मैं नहीं ले रही तो चलो अब हम आ चुके हैं स्टूडियो में तो हम जा रहे हैं अंदर देखो ये है नीचे का फ्लोर और हम जा रहे हैं अभी ऊपर ऊपर बॉयज का है तो वहाँ पे जाएंगे कलेक्शन विंटर के हिसाब से और देखो यहाँ पे ये पेंट्स भी बहुत अच्छी आई है और ये जाएगा ना अंदर ट्राई करने तब मैं आपको सब दिखाऊंगी टी शर्ट्स वगैरह सब अच्छे आए इसको जाने दो पहले ये बहुत लेट करता है अंदर क्या करता है पता नहीं है देखो हाथ में उसके देखो और मेरे भी हाथ में देखो और उसके पीछे पीछे मैं घूमती रहूँगी इस तरह से देखो ये सब पैर भी कितनी अच्छी है एक मिनट आपको दिखाती हूँ देखो इस टाइप से अभी विंटर के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छे कपड़े आए कितने सारे कपड़े तोहफा अभी इसको मैं बोल रही हूँ कि ये भी ट्राई कर ये करता नहीं है उसको एक दो पसंद आ जाए ना बस वही ट्राई करके ले लेगा देखो अभी ये पैर में बोल रही हूँ कि ले और ट्राई कर उसकी साइज का ढूंढ रहे हो अभी ये ट्राई करने जा रहा है अंदर कपड़े फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखो राज इनको कैसा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है उसको उसकी साइज से बड़े कपड़े ले लिए सीधा तो खड़ा है ये पूरा नहीं खुल रहा दरवाजा देखो है ना उसके कपड़े रख दिए बस 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 वैसे ऊपर का तो अच्छा लग रहा है वाइट टी शर्ट और खुला तो रख हाँ इस तरह से हाँ उस तरह से अच्छा लग रहा है ये भी उसमें या क्या बोलते हैं इसको पीछे पेंट में पॉकेट ही डिजाइन है अच्छी है चल दूसरा चेंज कर देखो ये दूसरी पैर पहनी है राजीव ने और ये भी बहुत अच्छी लग रही है ना मुझे तो लग रही है બહુ મસ્ત લાગે છે આ પેર મસ્ત લાગે જો ઓલી તો નથી સારી લાગે ક્યાં જ મસ્ત લાગે દેખો અબ યે મિસ્ટર રાજીન કા થર્ડ વાલી પેર અબ દેખો દેખતે કિતની લેતા હૈ યે લડકા બહુ જ્યાદા હી લેતા હૈ યે કપડે હા અચ્છી લગ રહી યે ભી પેર પર યે ભી બડી હૈ જિતની લેકે આયા ના અંદર વો બડી લેકે આયા હૈ અભી મુજે એક પહેલે બોલા कि दो कितने डबल एक्सल में से एक्सल ढूंढ के आ मुझे मिली ही नहीं मैंने दो बार गई गोतने गोतने नहीं क्या बोलते हिंदी में ढूंढने देखो अच्छी लग ये भी बड़ी है बट लग रही है अच्छी इसकी साइज फिर हम निकालेंगे ये बाहर काटेंगे काटेंगे निकालेंगे लोग हमें
देखो कितना अच्छा ये भी आया है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। ये भी देखो ये वाला तो राजिन को जमा ही नहीं, वो बोलता है मुझे नहीं जमता नहीं लिया। देखो ये भी कितना अच्छा है, कयूम को भी मैं बोलूंगी कि तू भी एक चक्कर लगा ले, वैसे तो वो आता है। ये ग्रीन वाला भी बहुत अच्छा है, सब जेंट्स के भी अच्छे हैं और देखो बच्चों के लिए भी कितने अच्छे हैं, छोटे छोटे प्यारे भी कितने लग रहे हैं। मुझे लड़कियों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, छोटी वाली देखो ये भी कितना अच्छा है बेबी के लिए। चलो वहाँ पे गया था वो लड़का राजीव, यहाँ पे मना कर दिया, ये नीचे होगा इसका बिल उसके कपड़े का, हम चाहते हैं नीचे इस लड़के को कोई पकड़ो पकड़ो इसको अब ये शूज देखने खड़ा रह गया है। ये कितने अच्छे हैं ब्लैक वाले शूज के भी सारे कलेक्शन अच्छे हैं। देखो अभी इस लड़के ने हाथ पकड़ा है तो अब हम मैं पक्का समझ गई हूँ कि अब फाइनल हम निकल ही जाएंगे, है ना। ओ मिस्टर देख तो सही हसमत, अब तो पक्का हम निकल ही जाएंगे, जब भी हाथ पकड़े ना तब समझ लेना कि बस अब हम जा रहे इस तरह से। अब हम नीचे उतर गए हैं आप देख सकते हो, और आपको यहाँ से मैं आपको लेडीज का सब वेयर दिखाती हूँ। देखो सॉफ्ट भी कितना है और अच्छा है, देखो यहाँ पे टॉप्स भी इतने अच्छे हैं। आप सब देखना, आपके लिए मैं चक्कर लगा रही हूँ। विंटर के हिसाब से लड़कियों में भी बहुत अच्छे अच्छी टाइप के आए हैं, अभी तो आप देख सकते हो सब डिजाइन। सामने चली जाती हूँ, सामने मेरी पसंद के हैं सब। देखो ये वाला टॉप कितना अच्छा है, ये मुझे पसंद आया है, अच्छा है, सब में से बेटर है। ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ पे सारी कॉस्मेटिक लिपस्टिक वगैरह सब है। तो ये मिस्टर राजीन लाइन में खड़े, पीछे भी इतनी लाइन है, आगे भी इतनी लाइन है, अब पहुंच गए अपनी जगह पे। कोई लड़की की और लड़की के लिए कितने अच्छे हैं और फाइन है ये भी, सब अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। ये सब लड़कियों का सेक्शन है यहाँ पे, तो ये नीचे ये वाले हैं सब, ये मुझे अच्छे लगे, कुछ अलग लगे। चलो अब मैंने नहीं राजीन ने ले लिए शॉपिंग कर ली है, और यहाँ पे बाजू में यम्मीज है तो हम जा रहे हैं उसमें नाश्ता करने, और ये लड़का अभी बोल रहा है कि मुझे जिम में जाना है, देखते बोलता है जाएगा नहीं जिम में। हाँ देखो बस, हाँ ये सच बोल रही है, अभी नाश्ता कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखो है ना, नाश्ता करने के बाद फिर बोल रहे कि ऐसा गुजराती वर्ड बोल रहा है कि जोखम हो जाएगा हिंदी में बोल पहचानते। हाँ वो पहचानते, राजीन का फ्रेंड है तो इसकी वजह से राजीन ने ऑर्डर नहीं दिया यहीं से, वरना देखो वहाँ पे सामने ऑर्डर देना पड़ता है, फिर वहाँ से वो बोलते हैं ना कूपन लेके यहाँ पे आना पड़ता है, तो ये अंदर से इस तरह की है। और यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है ना, हमारे जामनगर में ये क्या बोलते हैं बेस्ट नंबर पे आता है उस तरह। देखो ये अंदर से मैं दिखा पेन पेन के तो दिखा दिया सब उस तरह से, और राजीन मुझे भी बोल रहा था कि तू ले ले, बट मुझे नहीं अच्छा लगा,
बाद में देखूंगी। सच बात बोलूँ तो मेरी चॉइस बहुत खराब है। हाँ भंगा रहे हाँ, मेरी मम्मी या नाजिम भी मुझे अच्छी चॉइस कर देता है, फिर भी अभी नहीं टाइम लेकर, अभी मेरी तबीयत लूज है और मेरी हालत तो आप सबने देखी है। चलो अब ये हमारा नाश्ता आ चुका है। यहाँ के पफ बोलते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं, फेमस है। और मैंने मंगवाया है हॉट डॉग, ख़त्म तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लास्ट में इनको सब मैं करूँगा। देखो जोर से बोल तो यार, बोल के हाँ सब मैं करूँगा, सब मैं ही करूँगा। ये लड़का क्या करूँगा इसका, ऐसे बोल रहा है ना सीरियस होके। देखो इसको थोड़ी देर भी रहा नहीं देखेगा। तो चलो अब हम नाश्ता करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। चलो किसको लेना है ये, तुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है इनमें से ज्यादातर? इनमें से मुझे भी वो, और सेकंड में ये तो नहीं पसंद। चलो अब हम जा रहे घर पे ही जाएंगे अब तो, और पार्सल ले लिया है हमने। अम्मी को फोन करके पहले मैं पूछती हूँ, फिर हम पार्सल भूल गए इस तरह से। फिर राजीव ने याद दिलाया कि पार्सल तो लेना है, तो ले लिया है। और ये पानी की बोतल वो मैं ख़त्म करूँगी, राजीव करवा रहा है ख़त्म। बीच बीच में मैं पानी बहुत कम पीती हूँ उसकी वजह से, है ना, पानी ज़्यादा कौन पीता है, और मैं पीती नहीं हूँ इसकी वजह से। घर पर मम्मी पिलाती है और ये रास्ते में कहीं पर भी राजीव पिलाता है। पानी तो पीना चाहिए, अच्छा है स्किन के लिए भी, शरीर के लिए। अब हम घर पे ही जाएंगे। और यहाँ तक का भी मुझे पता नहीं था कि राजीन लेके आएगा, ये अचानक से लेके मुझे आया है। एक काम ही करना था, मैं इतने सारे काम नहीं करने थे। चलो तो घर पे मिलते हैं। देखो अभी मैं आई हूँ मुखवास लेने, मेरी मम्मा ने बोला था, राजीन देख रहा है। मम्मी के साथ बात करा थी कॉल में, वो चीज जो जो बोली है वो लेने आई हूँ मैं। चलो तो देखो ये आ चुका है घर पे, और इसको ही खानी थी कटलेस, है ना। कटलेस खाने का मन हो चुका है मेरा। तो अभी मैं बाहर तो घूम फिर के आई हूँ, अभी मुझे मम्मा पूछ रही थी कि सोफी तुझे खाना है, तो मैंने मम्मा को बोला कि नहीं मैं बाहर राजीन के साथ नाश्ता करके आई हूँ, तो मुझे नहीं खाना। तो फिर ये आके बोला कि मुझे खाना है, और देखो कम तेल इसमें होता है तो इतना ज्यादा ऑयल डाला है। कुरकुरी खानी है, कड़क कड़क, तो इतना ज्यादा तेल डाला है, क्रंची बोले तो मतलब क्रंची खाना है, कयूम ने डाला है। और यहाँ पे ये मसाला मम्मा ने रेडी कर दिया है, ये भी है, और यहाँ पे चटनी भी अभी थी, चटनी भी हो चुकी है माशाल्लाह, और मैं तो खाऊंगी। देखो रात के टाइम पे कितना काम करवा रहा है देखो हमसे। तो खाने की चीज ही बोल रहा हूँ ना मैं, जी हाँ। कौन मना कर रहा है तुझे बेटा कि नहीं करेंगे? और देख मम्मा अभी हम दो ये अगले वाले व्लॉग में जो बोले थे वो मैं बोली थी, ये हाथी वाली शायरी, मैं शायरी नहीं बोली थी, मैं जस्ट बोली थी, तो वो मुन्नवर ने बोली है। और अभी अभी सबको मैंने अभी जस्ट देखा, और फिर मैंने स्टेटस में भी लगाया था, तो अभी मुझे मैंने मम्मी को बस मम्मा रील्स देख रही थी, आई ना मैं तुरंत तेरे पास की मम्मी मुन्नवर, मैंने उसके जैसा नहीं बोला बट इस तरह से थोड़ा बोलने की अदा बहुत अच्छी, हाँ तो उसकी तो उसके तरह तो नहीं बोला, मैंने जस्ट बोला, तो अब सबको ऐसे लगेगा कि मैंने उसमें से देख के बोला यार, नहीं, नहीं। मेरी अलग है तो उसमें समझ जाना, हिसाब से बोला। हाँ मैंने जस्ट इस तरह से बोला कि हमारे गुजराती में बोल इस तरह से बोलते हैं कि हाथी है ना धुन महाल हो जाए पाछड़ कुतरा भाई सारा के, तो ये हिंदी में बोलने गई थी। और अभी मैंने जस्ट मुन्नवर की रील्स देखी, वो बहुत माशाल्लाह बोला है कि हाथी बाजार में चलता है, हजार पीछे कुत्ते भसते, इस तरह से ना, हमें तो नहीं आता बट उस तरह से उसने लाइन बोली है। एक शायरी इस बात पे छोड़ रहा हूँ, मजा नहीं वावा कीजिएगा ना, तो मैं हाथा भाई को उतर कीजिएगा वावा, सही है सब वावा कीजिएगा। कहा था ना मोहब्बत में तुम बर्बाद हो जाओगे, अल्लाह मैंने कहा था ना कि आप मोहब्बत में तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम से आप से जान, फिर जान से अनजान हो जाओगे। वावा 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 क्या
सही है, लाइफ का दस्तूर है। ये तो रोटी खेल है। वहाँ वहाँ तो बहुत जोर से आया, बताया अगर ये सच में आता हमारे पे आ जाएगा। ये तो दुनियादारी का रूल्स है, ये प्यार प्यार कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझ जाए ना कि इसको किस तरह से निभाना है तो सब कुछ है। हाँ ये तो सही, ऐसे ही हाँ हाँ पर नहीं नहीं होते ऐसे हाँ। भी लोग होते हैं ना। हाँ सही है, वाह वाह गंदा आता ही रहता है ऐसा। प्यार में मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन नहीं बोलना कि जो भी प्यार करता है ना बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो बोलते हैं ना कि जिस पे बीतती है ना उसको ही पता होता है। तो चलो यहाँ पे कहीं बाइक, ये मैं पहली बार कर रही हूँ मेरी जिंदगी में से। नहीं मम्मा इसके पहले तूने कटलेस की है क्या? इसकी नहीं की है। गुजराती में क्या बोलते हैं इसको पता है? क्या? दाल वही। नहीं वो तो वो मूंग की दाल की बड़ी बोल रहे ना। देखो ये पागल लड़के को इसका खुद का रेस्टोरेंट है। नहीं मतलब बोले तो हाँ हाँ नहीं नहीं है, दाल वो दाल की बनती है। हाँ, और ये अलग है, ये मम्मी ने किससे बनाई है? आलू और मटर। मटर आलू मटर मटर कम थे लेकिन चला लेना। जी हाँ कोई बात नहीं चलेगा। नहीं नहीं अच्छी बनेगी मेरी मम्मा। अभी तो उसको कड़क बनाएगी ना। ठीक है, और सॉस का ही निकालेगा। अच्छा तो फिर पहले ये खर्चा देखो। यहाँ पे माशाल्लाह कटलेस बन चुकी है और हमारा भाई टेस्ट कर रहा है गर्मा गर्म। एक नंबर बनाएगा। लास्ट लास्ट में मेरी मम्मी ने हमें ये भी बना दिया। क्या सूजी का हलवा? मीठा हलवा सूजी का हलवा। तो बस चलो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। बस मैं तुरंत घर पे आ गई। फिर घर पे आके तो आप सबने देखा कयूम आया, बस खाना वाना मम्मी ने बनाया। वैसे तो नाश्ता करके हम रात के टाइम पे तो इस तरह से रहते हैं, दोपहर को साथ में खाते रात में सब अलग अलग ये नाश्ता वगैरह चालू होता है तो उसके हिसाब से भूख नहीं लगती। तो बस वो मम्मी ने बनाया तो बस वो भी खाया हमने, मीठा भी बना दिया लास्ट में। और राजीव के साथ गई थी तो वो छोटे मोटे काम करने थे उसके लिए गई थी, उसके कुछ कपड़े लेने थे वो भी उसने रनिंग के कपड़े लिए इस तरह से घर नॉर्मल पहनने के लिए, तो वो हम लेने गए थे। तो बस आप सब ने देखा तो यही करने हम गए थे। तो चलो आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।